गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7। टुडे वी विल डिस्कस आवर सेकेंड चैप्टर हुज टाइटल इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, आज हम लोग अपनी बुक की सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली यह एक पोयम है, एक कविता है, और इस कविता के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कवि के बारे में, कुछ समझते हैं। चंद लाइनें कवि के बारे में दी हुई हैं, उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली टुक बर्थ इन 1874 एंड डाइड इन 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1874 में, 1874 में, और मृत्यु 1963 में, ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट नोन फॉर हिज इम्प्रेसिव डिपिक्शन ऑफ द रूलर लाइफ इन हिज पोयम। तो बच्चों, यह एक अमेरिकी कवि थे, अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए अमेरिकी कवि थे, और यह जाने जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रभावशाली वर्णन के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर, ग्रामीण जीवन के ऊपर। जब कविताओं में उनकी झलक ग्रामीण परिवेश की मिलती थी, और उन ग्रामीण परिवेश का यह चित्रण बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज शॉर्ट स्टे इन इंग्लैंड डैट इज जर्नी एज एन अकम्पेन्ड पोएट बिगन। तो यह तब की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे, और अपने जर्नी के दौरान वो थोड़े समय के लिए इंग्लैंड में रुकते हैं। व्हेन हिज स्टाइल ऑफ पोएट्री वॉज ग्रेटली इनकरेज्ड बाय फेलो पोएट्स। और फ्रॉस्ट के कविता लिखने के ढंग से उनके साथ के जो कवि थे वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एडा पाउंड एंड एडवर्ड थॉम्स, ये दोनों ऐसे कवि थे जो फ्रॉस्ट की लिखी गई कविताओं के ढंग से, जिस ढंग से फ्रॉस्ट कविता लिखते थे, उस ढंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फ्रॉस्ट ऑल्सो हैड अ लॉन्ग करियर एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो फ्रॉस्ट ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजी शिक्षक के रूप में भी व्यतीत किया था। ही हैज़ बीन अवार्डेड न्यूमरस ऑनरी डिग्रीज एंड 4 प्यूलाइजर प्राइजेज। और समस्त जीवन काल में उन्हें अनगिनत सम्मानों से नवाजा गया। तो ये थे पोएट के बारे में। अब मैं बच्चों आप लोगों के लिए पोयम पढ़ता हूँ। पोयम मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसको आप लोग सुनेंगे, उसके बाद मैं सारी कविताओं को एक सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए अपनी कविता को शुरू करते हैं। हु रोट्स दीज आर आई थिंक आई नो। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So, बच्चों, यहाँ पे कविता आपकी खत्म होती है। आइए अब इस कविता का मतलब समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर से बहुत जुड़े हुए थे, प्रकृति से बहुत ज़्यादा वो जुड़े हुए व्यक्ति थे। फ्रॉस्ट की हमेशा से ये कोशिश होती थी कि वे पोयम को बड़े ही आसान शब्दों में लिखें। वे चाहते थे कि समाज का हर एक वर्ग को उनकी लिखी कविताएं समझ में आए, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, समाज के हर एक वर्ग को उनकी लिखी कविताएं समझ में आ जाएं। सबसे पहले उनकी कोशिश उनकी ये होती थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलियम वॉर्ड्सवर्थ से बहुत इंस्पायर थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे
वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ भी बहुत जाने माने कवि थे बच्चों, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किन से? विलियम वॉर्ड्सवर्थ से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक दिन क्या हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल आता है। जंगल बहुत ही खूबसूरत है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस जंगल में रुक जाते हैं। जंगल की खूबसूरती को वे निहारने लग जाते हैं। जंगल इतना खूबसूरत था कि उन्हें रुकना पड़ गया और वह उस जंगल की खूबसूरती को निहारने लगते हैं। फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। जिसका ये जंगल है वो व्यक्ति गांव में रहता है। उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि मैं यहाँ खड़ा होकर उसके जंगलों को देख रहा हूँ। फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनका छोटा सा घोड़ा भी यही सोच रहा होगा कि वे इस जंगल में क्यों रुके हैं। घोड़े को बहुत अजीब लग रहा होगा कि यहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है रुकने के लिए, फिर मेरे मालिक यहाँ पे क्यों रुके हैं, इस सूनी सुनसान वीरान से जंगल में क्यों रुके हैं। वुड्स का मतलब होता है बच्चों जंगल। इस जंगल के बीच में एक बर्फ की जमी झील है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए झील वो बिल्कुल जम गई थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी व रात होने वाली थी। सर्दियों के सीज़न में क्या होता है बच्चों कि रात बहुत जल्दी हो जाया करती है, तो सर्दी का सीज़न था और सर्दियों सीज़न में रात बहुत जल्दी हो जाया करती है। बच्चों यहाँ पर मैं ही के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पोएम के आप जब पोएम पढ़ेंगे तो इन द थर्ड स्टैंजा यू विल फाइंड अ वर्ड ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया है? ही का प्रयोग हुआ है घोड़े के लिए। किसके लिए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है। वह अपनी हार्नेस बेल को कुछ इस प्रकार घुमाता है जैसे कि वह फ्रॉस्ट से पूछ रहा हो कि क्या कोई मुझसे गलती हो गई है, कहीं मैं आपको गलत जगह पे तो नहीं ले आया। बच्चों फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे वे खड़े हैं उस जगह पे केवल दो आवाज़ें आ रही हैं। फ्रॉस्ट जिस जगह पे खड़े हैं ना उस जगह पे केवल उन्हें दो आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। पहली उस घोड़े के हार्नेस की आवाज़ और दूसरी बर्फीली हवाओं की आवाज़। लास्ट स्टैंजा में है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बच्चों इस स्टैंजा का मतलब है, कवि कहता है कि मुझे यह जगह बहुत पसंद है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत शांति है यहाँ, यहाँ बहुत सुकून है, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत से वायदे हैं जिन्हें पूरा करना है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना अभी बाकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मुझे हालांकि ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, लाइफ में मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। तो बच्चों ये था इस पोएम का मतलब। बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको यह कविता समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। और एज अ होमवर्क आप इस कविता को याद करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, कीप लर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7, टुडे वी विल डिस्कस our second chapter whose title is Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. बच्चों आज हम लोग अपने बुक की सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं।
बेसिकली यह एक पोयम है, एक कविता है।